अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी ट्राई 2.0 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट और आप खुशखबरी भी कह सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं क्या उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे बीपीएससी में ट्राई 1 में सप्लीमेंट रिज़ल्ट आया था, क्या ट्राई 2 में आएगा या फिर नहीं आएगा। उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 1 से लेके 12 क्लास तक 50,000 सीट अभी भी खाली है, जिसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो अतुल प्रसाद साहब ने इसको लेकर क्या कहा और कब तक ये रिज़ल्ट आएगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पहले आप अतुल प्रसाद साहब का बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो पहले आप अतुल प्रसाद साहब का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा सिकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। अच्छा, टीआरई 2 में टीआरई 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे, और मैं समझता हूँ कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया जी। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा। आपने बयान सुन लिया अतुल प्रसाद साहब का, जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उनसे पूछा गया कि क्या ट्राई 1 की तरह ट्राई 2 में सेकंड रिजल्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सप्लीमेंट रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल आएगा। क्योंकि अभी जो अंदर के सूत्रों के मुताबिक जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी भी जो है 50,000 सीट खाली है, वो सेकंड लिस्ट आएगी, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो अगर आपका कट ऑफ थोड़ा सा भी नीचे आ रहा, यानी कि जैसे कट ऑफ आया इस बार 80, तो अगर आपका 78 है या फिर आपका 77 है या फिर आपका 75 है तो आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। और कब ये मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट भी जल्द से जल्द आ जाएगी, यानी कि एक हफ्ता आप कह सकते हैं 15 से 20 दिनों के अंदर में सेकंड मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा है, कल काफ़ी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है 9 to 10th में और 6 to 8 में, बट अभी 11th था या फिर 6 to 8 में भी कुछ विषय का रिजल्ट अभी भी नहीं आया। जैसे ही रिजल्ट कंप्लीट आ जाता है उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। किसी भी विषय से अगर आप हो, उर्दू से हो, अरबी से हो, या फिर आप पर्शियन से हैं, या फिर आप इंग्लिश से हैं, या फिर आप साइंस से हैं, सोशल साइंस से हैं, तो आपका जो रिजल्ट नहीं आया है तो आपको वेट करना है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर अपडेट आती है या फिर रिजल्ट जारी होता है, मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश कर देती। आज की वीडियो, अस्सलामुअलैकुम।